हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है 20 फेब, और आज से ठीक 3 साल पहले हमारी हल्दी थी। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हमारे बहुत कुछ प्लान थे, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। बट कोई नहीं, जो अल्लाह की मर्जी वो होगा। तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है कि आप सबको, जैसे मैंने आपसे बताया था कि जब शादी हुई थी तो उस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था, आप सब लोग देखते ज़रूर, लेकिन अभी यूट्यूब चैनल है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं एक थ्रोबैक की तरह आपको वो हल्दी का वो सारी चीज़ें जो हुई थी, उस तरीके से सारी नहीं, एक्चुअली थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ, आप भी उस पल को एंजॉय कर सकें जैसे हमने उस वक्त वहाँ पे किया था। तो बस बिना किसी देरी के आप जाइए रिवाइंड में, थ्रोबैक में, और हल्दी का वीडियो देखिए। ये था हल्दी का छोटा सा लेकिन क्यूट सा सेटअप। ये फोटो फ्रेम जहां पे हमने फोटो खिंचवानी थी। और ये दूल्हे राजा बाहर से मुस्कुराते हुए लेकिन अंदर से दुखी के स्टेटस बदल गया अब तो। हमारे सामने प्लीज भी नहीं चलेगा। नहीं, आप करो गए। Oh my God! Toma. हमारा टाइम तो आने दो। देखो ये क्या कर रहे हैं। अच्छे से साइड से, साइड से अच्छे से। कोई तो फाइनली मैं नहीं करूंगा।
शर्ट कितना अच्छा है। मुझे पता चला और ये हम पोज देते हुए फोटोज के लिए, बट माशाल्लाह दीपिका बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। क्या बोलते हो आप सब, लग रही थी ना, बताइएगा जरूर। और उसके बाद बारी थी मेरे सारे कमीने दोस्तों की हल्दी लगाने की, और उन्होंने जो मेरी हालत की है ना, आप खुद देख लीजिए। अरे रे ओए ये बताओ स्टोरी चमड़ा ओए तो कर Good job, Good job. और भी कोई कैसे रहे वो भी पूरी करो यार। ओए। भैया भैया अरे जाओ यार बनियान उनियान फाड़ो यार, भाई है आज हल्दी है, जाओ यार बनियान उनियान फाड़ो यार, अब तो जाओ अब तो जाओ अब तो बनता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल शोएब भाई बनता है, शोएब भाई बनता है, ठक्कर वाइड है ना भाई यार, सेंटर है भाई सेंटर है, पहचान भी नहीं आनी चाहिए आप बाय बाय हाँ जाना जाना बस दैट्स इट बाय अम्मी मैं नानी के घर पे रुका हुआ था और दीपिका जो है वो बेटी खाला के घर पे रुकी हुई थी, तो हल्दी के बाद दीपिका अपने घर जाते हुए, और यहाँ पे दीपिका मुझे समझा रही है कि हल्दी कैसे निकालनी है। तो ये थी हमारी हल्दी की मेमोरीज जो मैंने आपसे शेयर की, आई होप आप सबको भी उतना मज़ा आया हो जितना हमें उस वक्त मज़ा आया था, और अगर आपको अच्छा लगा हो मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा, मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ।